साल 2016, चेन्नई में एक बड़ी नेता की मृत्यु हो जाती है और इस नेता का नाम था जयललिता। जी हाँ, वही जयललिता जो तमिलनाडु की 5 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और जयललिता की मौत ने अब जन्म दे दिया था एक नए विवाद को, क्योंकि अब AIADMK पार्टी के अंदर ही कलह मच चुकी थी, जिससे नाराज होकर पार्टी के एक बड़े नेता TTV दिनाकरण अब पार्टी के ही खिलाफ हो चुके थे। नतीजा ये निकला कि दिनाकरण को पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। दिनाकरण अब जयललिता का नाम लेकर एक नई पार्टी बनाना चाहते थे। अब तमिलनाडु में चल रही इस सारी उठापटक को कहीं दूर बैठा हमारी आज की कहानी का कौन मैन बहुत बारीकी से देख रहा था और तलाश कर रहा था एक ऐसे मौके की जिससे कि इस सारे ड्रामे से कुछ पैसा बनाया जाए। यहीं से चालू होता है एक खेल, एक ऐसा ठगी का खेल जिसमें आगे चलकर नोरा फतेही से लेकर जैकलीन फर्नांडिस और ना जाने कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम शुमार हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन थे ये कौन मैन और इसका जैकलीन नोरा के साथ चेन्नई की पॉलिटिक्स से क्या लेना देना था। तो हमारी आज की इस कहानी का मेन लीड है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर ये नाम पिछले सालों में आपने कई बार सुना होगा। लेविश लाइफस्टाइल, खूबसूरत एक्ट्रेसेस, महंगी गाड़ियां, ये कुछ ऐसे शौक हैं जिसको लेकर आम तौर पर हाई क्लास सोसाइटीज में सुकेश की पहचान मानी जाती है। लेकिन हमारे और आपके जैसे लोग सुकेश चंद्रशेखर को जिस वजह से जानने लगे वो है उनके ठगी के काले कारनामे। तो आज की इस वीडियो में हम सुकेश के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जानेंगे कि आखिर सुकेश के काले कारनामों की फेहरिस्त में कौन कौन रहा है, आखिर क्यों उसने चुना ठगी के रास्ते को और क्या है उसका बॉलीवुड से संबंध। सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। कहा जाता है कि उसने लैविश लाइफस्टाइल जीने के लिए 17 साल की उम्र से ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। बेंगलुरु में ठगी करने के बाद उसने चेन्नई और दूसरे शहरों में भी लोगों को निशाना बनाया। उसके निशाने पर टॉप पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक रहे हैं। सुकेश हाई प्रोफाइल लोगों को फोन कर खुद को बड़ा सरकारी अफसर बताता था। 2007 में उसने खुद को एक बड़ा सरकारी अधिकारी बताते हुए बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करने के बदले 100 से ज्यादा लोगों को ठगा था। इस मामले में सुकेश की गिरफ्तारी भी हुई थी और जेल से छूटने के बाद सुकेश ने दोबारा से लोगों को ठगने का काम जारी रखा। सुकेश के ऊपर 30 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं और कहा जाता है कि तमिलनाडु में वो खुद को पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि का बेटा बताता था। वो खुद को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YSR रेड्डी का भतीजा बताकर भी कई लोगों से ठगी कर चुका है। 2010 में सुकेश की मॉडल और एक्ट्रेस लीना मारिया पोलोज से मुलाकात हुई। लीना फिल्म मद्रास कैफे में काम कर चुकी हैं। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती गई और दोनों साथ रहने लगे। यहीं से सुकेश की बॉलीवुड में एंट्री हुई। अब लोगों को ठगने में लीना भी सुकेश का साथ देने लगी। 2015 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के साथ सुकेश के अफेयर की चर्चाएं चलती रहीं। 2015 में सुकेश और लीना मुंबई आ गए। यहां पर फर्जी स्कीम के जरिए 450 से भी ज्यादा लोगों से 19.5 करोड़ रुपए ठगे। इसके बाद CBI ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। इसके बाद भी सुकेश ने ठगी का खेल जारी रखा। वो खुद को लॉ एंड होम मिनिस्ट्री का ऑफिसर बताकर ठगी करता रहा। तो यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने शातिराना अंदाज से ठगी करने के बावजूद भी सुकेश पकड़ा कैसे गया। तो इसके तार सीधे सीधे जा जुड़ते हैं तमिलनाडु पॉलिटिक्स की उस कहानी से जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया। बात 2017 की है। तमिलनाडु के नेता TTV दिनाकरण ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में सुकेश के खिलाफ ठगी का केस दर्ज कराया। ये मामला पार्टी के चुनाव चिन्ह से जुड़ा था। दरअसल दिनाकरण AIADMK के नेता थे, लेकिन 2017 में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। दिनाकरण चाहते थे कि AIADMK का दो पत्ती का चुनाव चिन्ह उनके पास रहे। इसके लिए सुकेश ने उनसे 50 करोड़ रुपए लिए थे। सुकेश ने दिनाकरण को बताया था कि वो चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी को जानता है जो इस काम को करा सकता है। केस दर्ज होने के बाद अप्रैल 2017 में पुलिस ने सुकेश को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सुकेश जेल अधिकारियों और कैदियों के साथ साठ गांठ करके जेल से ही ठगी का नेटवर्क ऑपरेट करने लगा। इस मामले में 5 जेल अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था।
तिहाड़ जेल में रहने के दौरान ही सुकेश ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा दिया। इसके लिए उनकी पत्नियों से 200 करोड़ से अधिक की ठगी की। वो खुद को कभी सीएम ऑफिस तो कभी गृह मंत्रालय से जुड़ा ऑफिसर बताता और जेल के अंदर से ही ठगी की नई दास्तान लिखता गया। उसकी इस धोखाधड़ी में तिहाड़ जेल के कई अफसर भी शामिल थे। सुकेश इन सभी को मोटी रकम देता था। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुकेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इस केस में सुकेश की पत्नी लीना पॉल भी आरोपी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने रकम को चेन्नई की एक कंपनी के जरिए इधर उधर करवाया है। अब यहाँ भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर सुकेश इतनी बारीकी से कैसे इतनी बड़ी बड़ी ठगियों को अंजाम देता था। तो इसका जवाब है कि ठग सुकेश तकनीक का मास्टर रहा है। महज एक साल में उसने जेल में बैठे बिठाए ही कई कारनामे कर दिए। मीडिया में भले ही ऐसी खबरें छपती रहें कि तिहाड़ जेल का सिस्टम बहुत मजबूत है, संसद के तकरीबन हर सत्र में जेलों के सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर सवाल उठते रहते हैं। सरकार हर बार यही कहती है कि जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। दूसरी तरफ सुकेश है जिसने सरकार के दावों को तार तार कर दिया है। और तो और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स का तो यहाँ तक कहना है कि तिहाड़ जेल की अधिकारी और कर्मचारी सुकेश की मेहरबानी के कायल हो चुके थे, जिसके चलते उन्होंने सुकेश को जेल में ही आईफोन मुहैया करा दिया। और बस फिर क्या था, मोबाइल ऐप और मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से उसने बड़े लोगों के फोन नंबर स्पूफ कर दिए। इसका मतलब है कि वो जिसे फोन कर रहा है वहां जो नंबर दिखेगा वो सुकेश द्वारा तैयार किया हुआ होगा। अगर वो चाहता है कि सामने वाले को ये लगे कि फोन गृह मंत्रालय से आया है तो स्पूफ के जरिए वो ऐसा कर देता था। सामने वाले के नंबर पर मंत्रालय के नंबर से फोन जाता था। जेल में बंद शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह को उसने स्पूफ के जरिए कई कॉल्स की थी। कभी प्रधानमंत्री कार्यालय तो कभी कानून मंत्रालय का सेक्रेटरी बनकर बात करता था। गृह मंत्री अमित शाह एवं उनके सहयोगी और गृह सचिव जैसे बड़े अधिकारी बनकर उसने लोगों से बात की। धक्का तो आपको ये बात जानकर लगेगा कि तिहाड़ जेल में बैठे बैठे ही उसने 200 करोड़ रुपए की ठगी कर दी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये काम आसान नहीं था। जेल में बंद सुकेश ने बड़ी चालाकी से काम किया। उसने पहले जेल के निचले स्टाफ को भरोसे में लिया। उसने ये मालूम किया कि जेल में कौन से अधिकारी या जेल कर्मी हैं जो रुपये की खनक के आगे टूट सकते हैं। उसके बाद ही सुकेश ने निचले स्टाफ की मदद से ही बड़े अधिकारियों से कॉन्टैक्ट किया। मामला बनता चला गया और यहीं से सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ रुपए की ठगी की कहानी शुरू होती है। उसने जेल के अधिकारियों को बता दिया कि वो उन्हें कितना रुपया दे सकता है। राशि इतनी थी कि कोई भी अधिकारी लालच में फंसे बिना नहीं रह सका। नतीजा, दो जेल सुपरिटेंडेंट, दो डिप्टी जेलर, एक असिस्टेंट जेलर और दर्जन भर दूसरे कर्मचारी गिरफ्तार हो गए। ये सारा कमाल 32 करोड़ रुपए का था। सुकेश ने स्वीकार किया कि ये राशि जेल में बटी है। तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ अफसर सुनील गुप्ता के अनुसार तिहाड़ जैसी हाई सिक्योरिटी जेल में ये जो कुछ हुआ वैसे पहले कभी देखने को नहीं मिली। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। किसी कैदी को बाहर से कोई सामान भिजवा दिया या मोबाइल फोन बरामद हुआ है। जेल से रुपयों की मांग, ऐसी धमकी देने के केस भी हुए हैं। सुकेश का मामला तो सबसे बड़ा है। इस मामले में तिहाड़ जेल के अधिकारी और दूसरा स्टाफ ठग सुकेश के साथ मिला हुआ था। जांच में पता चला कि सुकेश को जेल में मोबाइल फोन मुहैया कराया गया था। इस घटना के बाद उसे हाई रिस्क वार्ड में बंद कर दिया गया। इस वार्ड में बंद होने वालों पर हर समय नजर रखी जाती है। स्टाफ भी ज्यादा रहता है, निगरानी के लिए कैमरे लगे हैं। सुकेश को लगा कि अब यहां से वो मोबाइल पर बात नहीं कर सकेगा। सुकेश ने अपने जुगाड़ से खुद को हाई रिस्क वार्ड से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करा लिया। ये सब जेल स्टाफ की मिली भगत के बिना संभव नहीं था। बड़ी बात तो साहब ये है कि नॉर्मल वार्ड जहां पर लगभग 10 कैदियों को रखा जाता है, वहां सुकेश को अकेला ही रखा गया था। इसका क्या मतलब था? जानकारों का कहना है कि दिल्ली पुलिस की टीम जब सुकेश मामले की जांच पड़ताल के लिए जेल में पहुंची तो काफी देर तक उसके सेल का दरवाजा नहीं खोला गया। ये बहाना बनाया गया कि चाबी नहीं मिल रही है। तब तक सुकेश अपने मोबाइल फोन से सारा डेटा उड़ा चुका था। अब यहां एक और बड़ी बात यह है कि सुकेश की अय्याशियों की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आए दिन उसकी तस्वीरें नौरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस के साथ वायरल होती रहती हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पॉलिटिक्स, तिहाड़ जेल और ठगी के अलावा सुकेश की अय्याशी की कहानी और भी है।
अब यहाँ हम आपको सुकेश और जैकलीन के रिश्ते के बारे में बताएं, उससे पहले आपकी जानकारी के लिए, अगर आप अपने घर में भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव करना चाहते तो आर्टेरियम आपके लिए लेकर आया है मिस्टिकल शिवा की अद्भुत मूर्त, जो आपके दुखों को दूर करके आप में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। अगर आप भगवान शिव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अभी www.thearterium.com पर जाएं और मिस्टिकल शिवा को अपने घर पर ले आएं। आप हमारा कूपन कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। आइए अब कहानी पर वापस आते हैं। तो ईडी के अनुसार सुकेश और जैकलीन के बीच जनवरी 2021 में बातचीत शुरू हुई। तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए भी सुकेश फोन पर जैकलीन से बात किया करता था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश ने करोड़ों रुपयों के गिफ्ट्स दिए थे। इनमें 52 लाख का एक अरबी घोड़ा, 9-9 लाख रुपए की 3 पर्शियन बिल्लियां और डायमंड सेट्स जैसे महंगे गिफ्ट्स हैं। सुकेश ने जैकलीन के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स भी बुक की थी और गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी, इम्पोर्टेड क्रोकरी भी दी थी। उसके अलावा जैकलीन के भाई के साथ भी सुकेश ने लेन देन किए हैं। सुकेश ने यह भी दावा किया कि वो जैकलीन के साथ रिलेशन में रहा है। बताया जाता है कि सुकेश ने जैकलीन के अलावा एक्ट्रेस नौरा फतेही को भी कई महंगे महंगे गिफ्ट भेजे थे। इसी वजह से नौरा भी ईडी की नजरों में रही हैं। नौरा को सुकेश ने करीब 1 करोड़ रुपए की BMW और आईफोन गिफ्ट किया था। पूछताछ में नौरा ने बताया कि साल 2020 में वो एक इवेंट में गई थी। चेन्नई में हुए इस इवेंट में उन्हें सुकेश की पत्नी और एक्ट्रेस लीना पॉल ने बुलाया था। सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉल पर हवाला के जरिए ठगी करने के भी आरोप हैं। दोनों ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर इनके जरिए करोड़ों रुपयों की ठगी की है। ईडी ने सुकेश के पास से 16 लग्जरी और स्पोर्ट्स कार्स जब्त की हैं। इनमें रोल्स रॉयस, बेंटली, फरारी, लेम्बोर्गिनी जैसी कारें भी शामिल हैं। सुकेश के पास चेन्नई में शानदार सी फेसिंग बंगला भी है। कहा तो ये भी जाता है कि सुकेश ने करोड़ों रुपयों की क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट किया है। वैसे अभी आए दिन जेल से सुकेश को लेकर खबरें आती रहती हैं और हमेशा चर्चाओं का बाजार गर्म रखती हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है और आगे आने वाले समय में सुकेश के और कौन कौन से कारनामे खुलकर सामने आते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से सुकेश की जिंदगी और उसके ठगी के कारनामों को लेकर कई बातें पता चली होंगी। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।